Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. दोस्तों आज हम बात करेंगे उन दो बड़ी फिल्मों के बारे में जो कि है दो बड़े सुपरस्टार्स की। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही सुपरस्टार जब भी बॉक्स ऑफिस पर आते हैं कुछ ना कुछ धमाल करते हैं और अपना परचम हमेशा बॉक्स ऑफिस पर लहराए रखते हैं। तो ये दो सुपरस्टार हैं अजय देवगन और अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही एक्टर्स की फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे। जहाँ अक्षय कुमार की फिल्म केसरिया बॉक्स ऑफिस पर लग चुकी है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना बॉक्स ऑफिस पर दिखाया, तो वहीं फिल्म अजय देवगन की आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे जो कि अब बॉक्स ऑफिस पर अगले महीने लगेगी और दोनों के आज हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले फिल्म केसरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। केसरी मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर लगे 23 से 24 दिन हो चुके हैं, तो वहीं आज हम बात करें इस मूवी के अब तक के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ये मूवी ने 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपना बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है। साथ ही बात करें इस मूवी के अंदर आप सभी को क्या देखने को मिला, या फिर अगर आपने मूवी नहीं देखी तो हम आपको बता देते हैं। इस मूवी के अंदर देखने को तो आके 21 सिख जो कि 10,000 अफगानियों से लड़ते नजर आते हैं, वो क्यों? क्योंकि ये एक बैटल ऑफ सारागढ़ी की लड़ाई इसमें दिखाई जाती है। आप सभी ने सुना ही होगा कि 21 सिख सारागढ़ी के युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे और उन्होंने युद्ध जीता भी था। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर एक पीरियड ड्रामा फिल्म दिखाई गई और सच्ची घटना पे होने की वजह से इस फिल्म को अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन देखने को मिला। साथ ही इसमें अक्षय कुमार थे तो, और साथ ही इसमें परिणीति चोपड़ा भी आप सभी को देखने को मिली, तो वहीं इस वजह से इस फिल्म को बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिला और साथ ही अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी अभी तक टिकी हुई है। तो वहीं आप सभी को बता दें इससे पहले अजय देवगन की एक और मूवी आई थी जिसका नाम था टोटल धमाल, जो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। उस मूवी ने भी बहुत अच्छा कलेक्शन 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन अपना बॉक्स ऑफिस पर किया था। तो वहीं अजय देवगन की अब एक और मूवी आ रही है दे दे प्यार दे, जो कि अगले महीने रिलीज़ होने वाली है। तो वहीं आप सभी को बता दें टोटल धमाल एक कॉमेडी मूवी थी, तो दे दे प्यार दे भी एक रोमांस कॉमेडी मूवी होने वाली है। यानी कि इस मूवी के अंदर दो तरीके के तड़के आप सभी को देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये मूवी 150 करोड़ तो आराम से पार करेगी, पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये मूवी 200 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन अपना बॉक्स ऑफिस पर करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक रोमांस कॉमेडी है, साथ ही इसके अंदर अकुल प्रीत सिंह जो कि साउथ की सुपरस्टार है वो नज़र आने वाली है, साथ ही तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी इसकी हिट होने की सबसे बड़ी खास बात होने वाली है। साथ ही बात करें इन दोनों ही मूवीज़ के ट्रेलर पर व्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही मूवीज़ का ट्रेलर आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया, जिसमें केसरी मूवी ने 47 मिलियन के आसपास के व्यूज़ अपने ट्रेलर पर पाए थे, तो वहीं दे दे प्यार दे मूवी ने 50 मिलियन से ज़्यादा के व्यूज़ अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर पाए। तो इसी वजह से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके ट्रेलर को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। साथ ही लोगों को इसका ट्रेलर पसंद के साथ साथ अजय देवगन, रघुलप्रीत और तब्बू की जोड़ी पसंद आई। साथ ही इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि अजय देवगन अपनी से 25 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार करते नज़र आने वाले हैं। तो ये कुछ खास बातें थी दे दे प्यार दे की और केसरी मूवी की। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दे दे प्यार दे का ट्रेलर से और साथ ही साथ इस मूवी के ट्रेलर का रेस्पॉन्स से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दे दे प्यार दे 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ज़रूर करेगी। साथ ही इससे साफ ये भी देखा जा सकता है कि दे दे प्यार दे फिल्म अपना केसरी मूवी को काफ़ी पीछे छोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, अगर आपने केसरी मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, अगर आपने दे दे प्यार दे का ट्रेलर देखा है तो कैसा लगा, दोनों ही चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन क्या लगता है कि कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन लाइफ टाइम के अंदर बॉक्स ऑफिस पर करेगी। जहाँ देखा जा रहा था टोटल धमाल केसरी मूवी से आगे निकल चुकी है, तो वहीं दे दे प्यार दे टोटल धमाल और केसरी दोनों ही मूवी से काफ़ी आगे निकलने वाली है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको और खबर मिले यहाँ पर सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।